नमस्कार, लेट्स कुक समथिंग में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं कद्दू का हलवा। ये कद्दू का हलवा काफी अच्छा बन के तैयार होता है, खाने में भी अच्छा लगता है, एकदम टेस्टी एंड हेल्दी हलवा है ये। तो चलिए कद्दू का हलवा बना रहे हैं। तो ये हमने 500 ग्राम कद्दू लिए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, छील लेंगे। छील के इसका हमें छीलने के बाद इसे हम साफ कर लेंगे धुल के, उसके बाद इसका हम कद्दूकस कर लेंगे। ये हमने कद्दू को कद्दूकस कर लिए हैं। अब इसमें क्या क्या सामग्री लगेगा वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो ये हमने दूध लिए हैं, 1 कप दूध लिए हैं, और ये आधा कप हमने खोया लिए हैं, 1 कप चीनी लिए हैं। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार ले लें, आपको मीठा कितना पसंद हो उसके अनुसार आप ले लें। और ये हमने घी लिए हैं, तो ये भी हम आधा कप घी लिए हैं। और ये हम कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, तो ये हमने बादाम लिए हैं, 7-8 हमने बादाम लिए हैं। किशमिश 15-20 हम किशमिश लिए हैं। ये 4 हमने इलायची लिए हैं, तो इसका हम पाउडर बना लेंगे। थोड़ा सा हम ये नारियल का बुरादा लिए हैं, आप ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से डाल दें। तब चलिए बनाना शुरू करते हैं। रख दिए हैं और इसमें ये हम कद्दू डाल दे रहे हैं, कद्दू का क्या हुआ। और इसमें हम दूध डाल दे रहे हैं, दूध डाल के हम मिला लेते हैं। कद्दू में से तो पानी छोड़ता है, लेकिन हम दूध इसलिए डाल दिए हैं। इसमें दूध डालने से ये होगा, जलने का चांस नहीं रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसे ढक के मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। ढक के हम 5 मिनट पका लिए हैं, तो 5 से 6 मिनट पकाए हैं, तो हो गया 5-6 मिनट। अब क्या करेंगे, अब देख सकते हैं कितना ये इसमें से कद्दू जो सॉफ्ट हुआ है, तो कितना पानी कद्दू में से पानी भी छोड़ा है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसी तरह से खुले में पकाएंगे। हम इसे ढकना नहीं है, खुले में पकाना है इसे, इसी तरह से बीच बीच में चलाते हुए। तो इसे हमने खुले में पकाया है, आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक इसमें से पानी जो है सूख गया है, अभी भी है इसमें। तो अभी हम इसको इसी तरह से चलाते हुए पकाना है। ये कद्दू का हलवा काफ़ी अच्छा खाने में लगता है, इसे आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें। अब आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक पानी इसका सूख गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, चीनी डाल देते हैं। अब चीनी डाल के भी हम इसे पकाएंगे, चीनी डालने से भी पानी छोड़ता है, तब चीनी डाल के हम इसे पका लेते हैं। तो चीनी डाल के हम इसे 4 से 5 मिनट तक पकाए हैं, आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल भी अभी नहीं है, बस थोड़ा बहुत है। तो इसे भी हमें इसी तरह से चलाते हुए पका लेना है। आप देख सकते हैं सारे पानी सूख गया है। अब इसमें हम डाल दे रहे हैं घी, घी थोड़ा ज़्यादा ही डालिए। ये हम आधा कप घी लिए थे। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये खोया जो लिए थे, खोया ऐड कर दे रहे हैं। अब इन सबको हम मिला लेते हैं। इलायची का भी हमने पाउडर बना लिए हैं, तो इलायची का पाउडर डाल दे रहे हैं, 4 इलायची का पाउडर बनाया है। अब इन सबको मिला दे रहे हैं। ये कद्दू का हलवा काफ़ी अच्छा एकदम टेस्टी लगता है खाने में, काफ़ी अच्छा बन के तैयार होता है। इसे आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें, उसका कॉमेंट करके आप बताएं कैसा लगा आपको। अब इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा और हम इसे पका लेते हैं। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट सारे जो है ये हमने कट कर लिए थे, तो सारे ड्राई फ्रूट हम डाल देते हैं। ये मेरा हलवा बनके तैयार है। इस तरह का हलवा आप बनाइए, आपको पसंद आएगा। और बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हम बनाए, वो तो आप देखें ज़्यादा कुछ भी इसमें नहीं लगा है, काफ़ी अच्छा एकदम टेस्टी हलवा बन के तैयार हुआ है। अब हम गैस बंद कर दे रहे हैं और इसे तैयार है, इसे हम निकाल लिए। काफ़ी अच्छा एकदम टेस्टी एंड हेल्दी हलवा बन के तैयार हुआ है। अब इसके ऊपर हम हल्का सा गार्निश कर देते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे ये होगा हम जो भी लेटेस्ट वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।